हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मंगलवार को मतगणना के बाद देर शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए गए। मतगणना के बाद देर शाम तक चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, जिसमें रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए। यहां तक कि प्रदेश में 48 सीट जीतकर भाजपा पूर्ण बहुमत से विजयी हुई। रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने 83,747 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव को 28,729 वोटों से पराजित किया। जीत के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकले विजेता प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और कंधे पर उठाकर तथा विक्ट्री साइन बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मण सिंह यादव ने अपनी जीत का श्रेय रेवाड़ी की देवतुल्य जनता को दिया। उन्होंने कहा कि ये विजय श्री रेवाड़ी की जनता को समर्पित है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भाजपा की पूरी टीम के साथ साथ सभी समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि इस जीत में सभी का योगदान है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मैंने नहीं अपितु रेवाड़ी की जनता ने लड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ व लूट की राजनीति की है, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों के दौरान व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, जिस पर रेवाड़ी ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही थी, लेकिन अब भाजपा ने जनता को रामराज देने का कार्य किया है। इससे पूर्व लक्ष्मण सिंह यादव ने खुली जीप में विजय यात्रा प्रारंभ की तथा शहर के हनुमान मंदिर, घंटेश्वर मंदिर और दुर्गा मंदिर में पहुंचकर भगवान से आशीर्वाद लिया। झज्जर शहर के झज्जर चौक से भी विजय यात्रा मोती चौक से होकर मुख्य बाजारों से निकली। इस दौरान लोगों का हुजूम यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा। सेक्टर 4 स्थित उनके आवास पर दोपहर से ही लोगों के पहुंचने का दौर शुरू हो गया। ढोल व डीजे पर नाचते हुए समर्थक देर रात्रि तक जश्न में डूबे रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद करूंगा, आज जो जिम्मेवारी दी है। दूसरा मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, राव इंद्रजीत जी का और मेरी पूरी टीम जो पीछे एक महीने लगातार लगी रही है, सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मेरे अकेले की बस की नहीं थी। ये चुनाव जनता ने लड़ा। बार बार कटाक्ष किया जाता है कि कोसली से यहाँ पर लाया गया है, उसके बावजूद इतनी बारी, उसका जवाब जनता ने दे दिया, उस पर चाहे कटाक्ष करेंगे। ना केवल रेवाड़ी की सीट बल्कि पूरे हरियाणा का दावे कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, सरकार बनाने के दावे लगातार कर रही। कांग्रेस तो झूठ और लूट की राजनीति करती रही, वो भारतीय जनता पार्टी। क्या ये भजन सिर चढ़ के बोला जनता के, जो आपका भजन था पे राम को लाएंगे, जो राम को लाए लक्ष्मण को भी लाएंगे। तो कहा ना कि भाई जनता का जीत है, रेवाड़ी की जनता की जीत है। राम को भी लाए, लक्ष्मण को भी लाए और आज हनुमान जी, आज हनुमान जी भी आए। आज हनुमान जी का वार है, तो राम के सेवक है।